किसी प्राचीन अंतरिक्ष जीव का कटा हुआ सर है ये। बिल्कुल सावधान रहना चूहे, इस ग्रह पर कोई कायदे कानून नहीं है। नोवेयर, खदानों की बस्ती। कई सौ साल पहले टिवान दल ने अपने लोगों को खोपड़ी में से जैव पदार्थ खोद निकालने के लिए भेजा था। हड्डियाँ, दिमाग के टिश्यूज, रीढ़ के तरल पदार्थ, सभी नायाब चीजें जो पूरे ब्रह्मांड के काले बाजारों में बेहद कीमती हो। ये खतरनाक और गैर कानूनी काम है जो सिर्फ तड़ीपार ही कर सकते हैं। मैं भी तो तड़ीपारों के ग्रह से आया हूँ, पप्पू पंचर, मुन्ना हटेला और राका रंगीला। ऐसी जगह पर तो मैं भी जाना चाहूंगा। हाँ, जाना चाहिए। अपनी जेब संभालो। हमें किताबें खरीदनी है, हमें पढ़ाई के लिए मोहरे चाहिए, दीजिए ना। चलो निकलो यहाँ से। अपना ग्राहक मामू वहाँ है, हमें यहीं उसके बुलावे का इंतजार करना होगा। मुझे ये कोई शरीफों की जगह नहीं लगती। जब तक वो नहीं आता हम क्या करेंगे? बाजी जीत गया जैसे हमेशा जीतता आया हूँ। अरे यार, बहुत हो गया, बस करो। रुक जा, क्या कर रहा तू? ये छुछुंदर उन मुद्दों पर बातें कर रहा है जो वो जानता ही नहीं। सच बोला तू? इसे कोई तमीज नहीं। ये भी सच बोला तू? अरे यार तू शांत हो जा। बड़ा आया मुझे छछुंदर बुलाने वाला गैंडा, तू भी मजाक उड़ा ले मेरा सब की तरह। रॉकेट तुझे चढ़ गई है, यहाँ कोई तेरा मजाक नहीं उड़ा रहा है। इसे लगता है कि मैं कोई फुद्दू चीज हूँ, कोई मजाक हूँ। मैंने थोड़ा ही कहा था कि मुझे ऐसे बनाओ, मैंने थोड़ा ही कहा था कि मुझे बार बार तोड़ कर मरोड़ कर एक छोटा सा भद्दा सा बदमाश जानवर बनाओ। रॉकेट तुझे कोई जानवर नहीं बुला रहा। उसने मुझे छछुंदर कहा, इसने मुझे चूहा कहा। चल देखते हैं अपने थोपड़े पर छह गोलियां खाने के बाद तुझे कितनी हंसी आती है। नहीं 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 नहीं, प्लीज। 400 करोड़ रॉकेट मान जा, बस किसी तरह आज की रात अपना गुस्सा पी ले, उसके बाद तू मालामाल हो जाएगा। ठीक है, पर मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि काम खत्म होते ही मैं तुम सबको टपका नहीं दूंगा। देखा, यही तो, इसीलिए तुम लोगों का कोई दोस्त नहीं है। किसी को मिले 5 सेकंड होते नहीं कि तुम उसे मारने पर उतर आते हो। हम अभी तक आधे ब्रह्मांड की सैर कर चुके हैं, पर रोनन के मरने के कोई आसार नजर नहीं आते।